ओके तो सर आप जैसे आपकी कॉलेज में रैगिंग का क्या सीन है, मतलब हम सब सब लोग सुनते तो आए जी। हैं, बट आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है? सर मैं इसमें एक नोट कर देता हूँ कि आई नो मैंने आपका वीडियो देखा है जिसमें आपने ये हर चीज एक्सप्लेन किया है कि ऐसा ऐसा होता था, आपके साथ भी कुछ हुआ, आपने वो सब एक्सप्लेन किया सर, फिर भी आप नॉन हॉस्टल लाइफ है श्योर एज कम्पेयर टू हॉस्टल लाइफ, श्योर सर इस पर आप क्या कहना श्योर। चाहेंगे? देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अगर कुछ बोल दिया हॉस्टलाइट्स के रिगार्डिंग तो फिर हॉस्टल वाला मुझे फ़ोन करके बोला कि ये क्या बोल रहा है। बट एनी वेज मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ कैसा सीन है कि जब मेरे पिताजी जब उधर कॉलेज में थे राइट, सो उनके समय इट वाज वेरी वेरी एकदम सिवियर रैगिंग होती थी। आई रिमेम्बर माय पेरेंट्स टोल्ड मी कि एक बार ऐसे हुआ था कि एक सीनियर भाऊ थे, सो फॉर एनी पर्सन हु इज इन अ बॉयज हॉस्टल वी आर मेड श्योर दैट वी कॉल आर सीनियर्स भाऊ। तो एक सीनियर भाऊ थे, उन्होंने पापा को एक बाल्टी दी थी ठीक है, और नल जो था वो सेकेंड फ्लोर पे था और बाल्टी ग्राउंड फ्लोर पे थी, और एक बॉटल का कैप दिया था और बोला था कि ये बाल्टी फिल कर। तो हाँ, तो बॉटल के कैप से पानी लेके जाना ऊपर से नीचे और फिल करना वो बाल्टी को। So that was the level of ragging that used to happen. बहुत होता था पहले, मतलब pre-2000s it was severe, ठीक है? After I would say 2010, 2011, 12, काफ़ी ज़्यादा decrease हो गया ragging का incidents, and अभी as such कुछ भी severe नहीं होता। मतलब I mean there have been cases जब severe हुआ है, but for 99% of the times any senior, senior, junior interaction will be pleasant. They won't try to hurt you, they won't try to harm you. दे जस्ट जैसे तुम्हारा कोई छोटा भाई है राइट, तो तुम उसके कैसे मजे लेते हो उस टाइप से होता है। मतलब इट वॉज वेरी फ्रेंडली, तो नोबडी हैज एनी बैड इंटेंशन। इंट्रो के लेवल पे रहता है, हॉस्टल में ऑफकोर्स ज़्यादा होता है बिकॉज हॉस्टल्स में दे हैव टू लिव लाइक ब्रदर्स इन द हॉस्टल। तो हॉस्टल में तो ऐसा नहीं कर सकते कि तुम किसी सीनियर से पंगा ले रहे हो। तो बेसिकली तुम जो रिलेशनशिप डेवलप करते हो एक रैगिंग होने के बाद तुम्हारे सीनियर के साथ, अगर तुमने भी लाइट ले लिया, सीनियर ने भी लाइट ले लिया, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है ओवरऑल। सो बट आई वुड से कि वो प्री रिक्विजिट नहीं है। जैसे आई हैव सो मेनी डिफरेंट जूनियर्स इन GMC नागपुर में, इतने सारे लोग के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, एंड आई हैव बिन गाइडिंग देम, जैसे 2019 बैच आई हैव बिन गाइडिंग देम सिंस आई क्रॉस फर्स्ट ईयर। सो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि यू हैव टू टेक रैगिंग टू डेवलप अ गुड रिलेशनशिप सॉरी। तो आई मीन इट डज हैपन लाइक दैट। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एज सच ऐसा रहा है कि हुए हैं एक दो इंसिडेंसेस, बट उस समय मुझे ऐसा लगता है कि वो इट वाज नॉट मोर देन रैगिंग पर्टिकुलरली नहीं हुई है मेरी कभी, बट इट वाज मोर लाइक अ मिसअंडरस्टैंडिंग सॉर्ट ऑफ बिटवीन मी एंड कपल ऑफ सीनियर्स। सो ओवरऑल तो इट वाज वेरी प्लेजेंट, एंड मैं तो आज तक किसी जूनियर की कोई भी तरीके से रैगिंग नहीं लिया हूँ। मैं इनफैक्ट आई डोंट इवन मेक देम कॉल मी सर और भाऊ, बिकॉज यार तुम्हारी मर्जी है, तुम मुझे अनुज बोलो, बिकॉज मैं तुमसे 2-3 साल ही बड़ा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फुल पेशेंट्स ही डायग्नोस कर रहा हूँ मेरे क्लिनिक में और मैं दवाइयाँ ही दे रहा हूँ उनको, क्या मुझे थोड़ी एक दो सब्जेक्ट ज़्यादा पता है तुमसे, और जस्ट बिकॉज आई वॉज बॉर्न 2 ईयर्स बिफोर यू दैट डजेंट मीन कि मुझे तुम्हें पूरा ही भगवान जैसे ट्रीट करना पड़ेगा। सो ये सर, है मेरा यार, ये जो आपने लास्ट लाइन बोले ना सर, ये मैं पहली बार किसी सीनियर से सुन रहा हूँ कि वो एक्चुअल में ऐसा बोल रहा है। सच में नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं तो बिलीव ही नहीं करता। मतलब क्या, मैं 2000 में बॉर्न हुआ, तुम 2002 में बॉर्न हुए, सो व्हाट अगर तुम मेरी जगह पे होते तो इट माइट बी हैपन कि तुम मेरे से बेटर स्कोर करो, सो तब फिर हम झगड़ा करेंगे क्या? नहीं ना। सो हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए, और मतलब डांटो वाटो तुम अपने जूनियर्स को, बट ओनली इफ दे मेक अ मिस्टेक यू गाइड देम ऐसे इन अ वे कि वो मिस्टेक करे ही ना इन द फर्स्ट प्लेस। तो मैं उसमें बिलीव करता हूँ ज्यादा। सर आपने कभी ऐसा इंट्रो लेने का कोशिश की है? नहीं रहे, कोशिश भी नहीं किया मैंने तो। मैं जाता हूँ तो यूजुअली लोग मतलब मुझे खुद से ही अप्रोच करते हैं जूनियर्स एंड दे टॉक टू मी। बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके, सब लोगों से इन माय कॉलेज स्पेशली, क्योंकि ऐसा होता है कि मैक्सिमम ऑफ देम हैव ऑलरेडी वॉच्ड माय वीडियोस ड्यूरिंग द नीट प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग। तो मैंने इंट्रो तो कभी नहीं लिया। मैं इंट्रो कैसे लेता हूँ, हाँ नाम क्या है, कहाँ से हो, बस हो गया, दैट्स इट।